वाला क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसको और बड़ा भी कर सकते हैं। बताइए क्वेश्चन का आंसर। कौन सा आंसर होगा इसका? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? पहला, एंथैल्पी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी हमने अभी नहीं पढ़े नीचे, तो पहले यही देख लेते हैं क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। पहले ऑप्शन एक से बताइए, चलिए पहले इतना चेक कर लेते। दूसरा, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, क्या ये है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नहीं पढ़ा अभी हमने। तो जिनको नहीं समझ आया तो हम बता देते हैं कि आपके पास इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के डिवीजन पर डिपेंड करती है, किस पर? सिस्टम के डिवीजन पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपके पास ये कोई पहले होल सिस्टम था, जब हमने इसको डिवाइड किया दो पार्टीशन में, ठीक है, जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो इसके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे वो आधे आधे हो गए, N1 और N2 हो गए, वैसे वॉल्यूम भी V1 और V2 हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे कि प्रेशर है तो P पहले था अब भी P है, टेम्परेचर पहले भी T था बाद में भी T है। तो ऐसी एक क्वांटिटी जो डिपेंड करती है किस पर? डिवीजन पर, जैसे कि वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। क्या है? एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। और इंटेंसिव होती है जैसे कि जो सिस्टम पर डिवीजन पर इंडिपेंडेंट रहती है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो पहला ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, ए ऑप्शन तो नहीं होगा। तो अब देखते हैं स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो कि क्या होता है, सिर्फ अवस्था पर निर्भर करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर निर्भर करते हैं, इसके पाथ पर निर्भर नहीं करते, बीच वाले पाथ पर निर्भर नहीं करते। तो वो स्टेट फंक्शन होते हैं और वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एग्जाम्पल है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपके पास? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्या है? पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब सॉरी स्टेट फंक्शन है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पाथ डिपेंडेंट कौन सा है। तो मैंने क्या कहा कि पाथ डिपेंडेंट के लिए दो ही चीज याद रखना, ठीक है, एक है हीट, दूसरा है वर्क, ठीक है। अब देख भी सकते हैं, दो ही चीज कहा कि आप दो को याद रखते हैं, वर्क और हीट को याद रखना, ठीक है, वर्क और हीट याद। तो पाथ डिपेंडेंट है, तो यही ये क्या है, मान लीजिए ये स्टेट है ये और भी, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं, मान लीजिए ये वाला है इसको, ठीक है। तो ये जो है पीडीबी,
अब ठीक हो गया यू में, अब ठीक है। हाँ अब ठीक हो गया। क्या है आपके पास, मैंने क्या कहा कि पाथ डिपेंडेंट दो चीज याद रखना आपको, एक हीट है एक वर्क है, ठीक है, जो कि क्या है इनिशियल। और अगर मान लीजिए आपके पास दो पोजीशन दे रखी है, ए और बी पोजीशन दे रखी है, ठीक है, ए और बी पोजीशन दे रखी है, ठीक है, तो हो सकता है ये पाथ कनेक्टिंग पाथ ये हो सकता है ये वाला कनेक्टिंग पाथ हो सकता ये वाला कनेक्टिंग पाथ, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, कि कौन सा पाथ चूज किया। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी डी भी होता है, यही आपके पास क्या है, पाथ डिपेंडेंट। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे, स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा होती है। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मेरे को ये बता दो कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जिनको नहीं पता यहाँ पे देख लीजिए कि अगर क्या है, एक जो है आपके पास एक यूनिट मास का जो है एक डिग्री या एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसे क्या बोलते हैं आपके पास, उसे ही बोलते हैं आपके पास स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो पहले तो ये बताइए मुझे कि स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, फिर इसका क्वेश्चन का जवाब देंगे। स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, तो मैं नोट करके लिख देता हूं, तब तक आप इसका आंसर बताइए मुझे। स्पेसिफिक मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट होती है, मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट इसके लिए होती है, ये होती है H2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए, 3.5, और इसका आप जानते हैं कैलोरी ग्राम पर केल्विन, तीन यूनिट बता रखे मैंने, यूनिट में कोई भी आ सकता है आपके पास, इसमें देख लीजिए यहाँ डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है, ग्राम डिग्री ग्राम पर केल्विन भी आ सकता है, कैलोरी ग्राम दोनों यूनिट यूज हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट की यूनिट है, किलो में भी हो सकता है, किलो कैलोरी अगर ये केजी में दिया हो मास। तो सबसे जो है मिनिमम किसके लिए होती है, मिनिमम, तो मिनिमम होती है रेडॉन और एक्टिनियम के लिए, रेडॉन एंड एक्टिनियम, ठीक है, इनके लिए कितनी होती है, 0.22 कैलोरी ग्राम पर केल्विन, ग्राम केल्विन, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं सबसे मैक्सिमम किसके लिए होते हैं, पहला ऑप्शन है आयरन, आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है आपके पास, तीसरा है वाटर, और डी ऑप्शन है मर्क्यूरी। तो कौन सा होगा, किसी को मालूम है इसका आंसर,
ठीक है। तो जो पानी का होता है वो होता है, पानी का याद रख सकते हैं, पानी का 1 होता है, 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बोल दूं मैं या केल्विन बोल दूं, ठीक है। और जो पारे का होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है 0.03 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर बचता है लोहा, लोहे का भी कितना होगा 0.022। अब ये सारी वैल्यू याद तो रहेगी नहीं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि याद रहेगी, पर आपको पता है वाटर का मैक्सिमम हाइड्रोजन का है, फिर जितना भी वाटर के बाद है, वाटर के बाद जितनी भी स्पेसिफिक हीट होगी वो 1 से छोटी होगी, जितना भी होगा वो 1 से छोटा ही होगा। कॉपर का भी कितना होता है, कॉपर का होता है 0.09, ठीक है। क्या है अब यहां से क्या पता चलता हमें, एक तो सबसे मैक्सिमम ये है हाइड्रोजन की, सबसे मैक्सिमम है, उसके बाद जितनी भी स्पेसिफिक हीट होगी नेक्स्ट, उसके बाद वाटर ही है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 है, उसके बाद वाटर के बाद जितनी भी स्पेसिफिक हीट होगी वो 1 से छोटी ही होगी। क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो इतनी सारी वैल्यू तो आपको मे बी याद ना रहे, पर फिर भी आप ध्यान रखोगे कि वाटर का इनमें से क्या है, वाटर का ही क्या है मैक्सिमम है 1, उसके बाद जितना भी होगा वो 1 से कम होगा। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन का है 3.5 कैलोरी ग्राम पर ग्राम कैलोरी, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन और एक्टिनियम का है, और उसके बाद आता है वाटर, वाटर का 1 है, और जितनी भी उसकी चीजें होगी वो 1 से छोटी होगी, ठीक है। क्लियर है सबको। हाँ, एक किसी ने पूछा था कि स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक हीट किस किस टर्म पर डिपेंड करती है, तो बताइए किस पर डिपेंड करती है। क्या मास पर डिपेंड करती है, इसका आंसर बताइए। वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, या नेचर पर डिपेंड करती है। बाकी लोग भी मैसेज करें। तो जिनका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, कैसे। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब डी ऑप्शन करेक्ट कैसे है कि आपके पास देखिए स्पेसिफिक हीट वाटर के, मान लीजिए अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या किया कि वाटर की स्पेसिफिक हीट लिख दी 1। अब वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो 1 लीटर है, यानी आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट,
एक जो यूनिट मास का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन बढ़ाना है। तो टेम्परेचर भी एक है, यूनिट मास है उस जो भी पर्टिकुलर सैंपल लिया है, ठीक है। तो आप उसका टेम्परेचर जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट है कि 1 मोल की जो टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, देखो अलग अलग किया ना आपने, हाइड्रोजन के लिए अलग आया आपके पास, हाइड्रोजन के लिए अलग है, ठीक है, और रेडॉन के लिए अलग आया, वाटर के लिए अलग आया। तो इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल का नेचर कैसा है, ठीक है, कि मटेरियल का नेचर कैसा है। तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो हमने क्या कहा था, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। जो भी चीज हमने पढ़ लिया उसके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। आंसर बता दीजिए, सबका ए आ रहा है, तो जिनका ए ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी वो आइडियल गैस के लिए, वो क्या होती है, ओनली क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फिर आते हैं इस बात पर। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, जीआईसी यूपी जीआईसी 2009 के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज डिपेंड्स ऑन, डी ऑप्शन। डी किनका है, चलिए यहां बता देते हैं हमने। अब देखो यहां पर इंटरनल एनर्जी, सबसे पहले हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो इंटरनल एनर्जी होती है आपके पास सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी का सम ही इंटरनल एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। जैसे कि हो सकता है कि इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी भी हो, ठीक है। तो जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ इंटर पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या है, टोटल एनर्जी। मान लीजिए अगर आपके पास, लेट सपोज आपके पास 10 पार्टिकल है, ठीक है, तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे की, तीसरे की, ऐसे 10 करके क्या हो जाएगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 पार्टिकल एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 10 पार्टिकल, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगी। अगर मैं आइडियल गैस की बात करता हूँ, आगे पढ़ेंगे भी हम आइडियल गैस होती क्या है, तो अगर आइडियल गैस की बात करता हूँ तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, आइडियल गैस इक्वेशंस होती है। तो इसमें क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि आपके पास जो पार्टिकल साइज माना गया वो क्या माना गया, आपके पास पॉइंट साइज माना गया। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा साइज, जो कि आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं दिखाते, जिसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, यानी उसके पोजिशन के वजह से और उसके आपसी इंटरेक्शन के वजह से। अब इंट्रैक्शन है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी आइडियल के केस में वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि अगर फंक्शन जो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस
जब फंक्शन डिपेंड कर रही है टेम्परेचर, कैसे? मान लीजिए गैस मौजूद, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो आइडियल गैस के लिए है वो क्या है, ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। तो अगर इसको हम वॉल्यूम इफेक्ट में डिफरेंशिएट करें या प्रेशर इफेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है? तो आइडियल गैस की क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है? तो अगर हम इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, हाँ आज थोड़ी ठीक है, कल तक रिजॉल्व कर लेंगे इस इशू को। जैसे एक और चीज इशू आ रहा होगा, रिकॉर्डेड बैच में रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं चल रही होगी, ठीक है? रिकॉर्डेड बैच में वीडियोस नहीं चल रही होगी तो वो एक टेक्निकल एरर है, ठीक है? अब ठीक है, साउंड का अब तो नहीं ना इशू। ठीक है, तो कहां तक आपको हो गया था कि जो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, नहीं 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 ऐसा नहीं, वो दोबारा बता देंगे, इंपॉर्टेंट हम। ऐसा नहीं होता, ये आज हो रहा है, ठीक है? तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, क्योंकि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि वो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगाते, कोई भी इंट्रेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? तो जो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है टी ओनली। तो अगर इस इंटरनल एनर्जी के टर्म को हम वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो जीरो आ जा रहा है, या हम देख रहे हैं प्रेशर के टर्म्स में तो भी जीरो आ जा रहा है, क्योंकि क्या है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस है वो डिपेंड कर रही है ओनली ऑन टेम्परेचर पर, किस पर, टेम्परेचर पर। तो इसी को क्या बोला गया, जूल्स लॉ बोला गया था। तो अब हमारे पास ये था कि पहला तो ये था कि जो किसी आदर्श गैस की, यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि इनको क्या बोलते हैं, अगर जूल्स लॉ किसको बोलेंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है? चलिए, वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हो जाने चाहिए। चलिए वर्क के क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया था, हाँ वर्क, तो एक क्वेश्चन तो कर लिया था हमने, पर एक दो और क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें क्लियर हो। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए वर्क के लिए। क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक सिस्टम। Taken through a cycle cycle A B C A show in figure। तो फिगर में दिखाया गया कि आपके पास क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, वन है, ये टू है, इसके बीच में थ्री और फोर भी है तो ये फाइव है, और ये वी है, ये प्रेशर है पी। ठीक है, और इसका जो यूनिट है ये एम क्यू है, और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, गिवन है पेपर। और इसका जो ये वाला पॉइंट है और ये बेस है, इसकी वैल्यू दे रखी है 50 और इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 20। ठीक है, कह रहे हैं आपसे पूछा है कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, चलिए सॉल्यूशन बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग अगर कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्टी फाइव गलत आंसर है, चलिए दो चीज मैं आपको नोट करवा के लिखवा देता हूं कि आपके पास, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो चीज होती है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दो चीज बता देता हूं मैं, प्लस वाली और माइनस वाली खुद कर लोगे आप। ठीक है, यानी अगर कभी भी वर्क डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वर्क डन क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अब एंटी क्लॉकवाइज का खुद ही माइनस कर दोगे। ठीक है, दूसरा हमने बताया था वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम वाला भी बताया था। तो बाय द सिस्टम द्वारा क्या होता है वर्क डन, जब मैंने वर्क डन पढ़ा होगा तो दो चीज का होगा कि ऑन द सिस्टम क्या होता है वर्क डन, हमारे हिसाब से, साइंस के हिसाब से नहीं,
साइंस और इंजीनियरिंग के दो साइन साइन नोटेशन होते हैं, तो हम इंजीनियरिंग वाला फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? इंजीनियरिंग वाला फॉलो करते हैं। तो दूसरा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सॉरी नॉट ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। हम किसका साइन करते हैं? हम इंजीनियरिंग वाले साइन को फॉलो करते हैं। कुछ बुक्स अगर केमिस्ट्री पे डिपेंड होगी तो वो उल्टा नोटेशन बताएगा। अब बताओ अब आंसर कितना आया है? सबका आंसर सही होगा क्योंकि सबने क्या लगाया होगा, क्या फॉर्मूला लगाया? फोर्स इंटू क्या है, सॉरी एरिया अंडर द कर्व वाला लगाया होगा। एरिया का ट्राइंगल क्या, वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, यही तो लगाया सबने। फिर आपका आंसर गलत कैसे आया? देखो 1/2, बेस कितना है, देखो बेस ये है, ठीक है, माइनस कर्व इसको कितना हो जाएगा 3, हाइट कितनी है 30 आ जाएगी, ये 50 है, ये 20 है, तो कितना हो जाएगा 30। तो आपका आंसर कितना है? 45, 45। और ये क्या था? इस प्रेशर का था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, ठीक है, तो 45 आ गया। पर अब देखो साइकिल क्या दे रखी है, ए बी सी ए, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा किस में होता है? ऐसा चल रहा साइकिल, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज के लिए अगर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस वो कैसी है, एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक है तो हमने क्या कहा, डेल्टा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, -45 जूल आ जाएगा। तो अगर पेपर में माइनस दे रखा हो ऑप्शन में तो ध्यान रहे कि आपको क्लियर है सबको ये। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वर्क डन पे। तो आपको प्रोसेस का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहां से कहां डायरेक्शन जा रही है। कैलकुलेट कैलकुलेट वर्क डन। अच्छा आप लोगों का, बाकी लोगों का पॉलिटेक्निक का भी होगा एग्जाम, सबका है पॉलिटेक्निक का,
कुछ लोगों को ये होगा कि कॉलेज लेक्चरर की करे या पॉलिटेक्निक लेक्चरर की करे प्रिपरेशन के लिए। तो बेनिफिट और दोनों बता देता हूँ मैं आप लोगों को, क्या बेनिफिट है और क्या पे स्केल है दोनों। चलिए इस सॉल्व करोगे तब तक आप लोग T0, ठीक है। हिंदी वाले भी लिख लीजिएंगे, कैलकुलेट द वर्क डन, यानी वर्क डन कार्य जो है किया गया कार्य कैलकुलेट करिए जब एक्सपेंड किया जाता है एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम वी नॉट वॉल्यूम टू 5V0 एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कह रहे हैं कि वर्क डन कैलकुलेट करिए जब किसी गैस के यानी किसी आदर्श गैस के एन मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड किया जाता है V से 5V0 पर, कहां पर परम ताप पर किया जाता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए तब तक आपका आंसर आता तब तक मैं बता देता हूँ पॉलिटेक्निक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों, GIC और पॉलिटेक्निक की बात कर लेते हैं। अगर आप लेक्चरर बनते हो GIC में और यहां पर भी लेक्चरर है, ठीक है, तो पे स्केल में बहुत डिफरेंस है। मतलब जब तक आप इस इनकी जो इनिशियल होगी, इनकी जो पे स्केल होगी यानी इनिशियल सैलरी होगी, वो आपको 10 साल बाद मिलेगी। एक ये एडवांटेज है कि जितना आप लेक्चरर में 10 साल काम करने के बाद आपको सैलरी मिलेगी, पॉलिटेक्निक में आपको फर्स्ट डे से मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो एक तो ये है, दूसरा जो जनरल के स्टूडेंट है, ठीक है, UR जिनको बोलते हैं, आपके लिए ऑल इंडिया कंपटीशन, तब नंबर ऑफ सीट कितनी है देख लीजिए और उसमें क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया होगा, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी आप, ठीक है। अब जिनको ये डाउट है कि कॉलेज लेक्चरर करें या ये करें, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर में इस बार आपके पास बहुत अच्छी वैकेंसी होगी, इसके बाद पता नहीं आगे होगी या नहीं होगी। तो जिनको ये डाउट है कि मेरा हायर अच्छा नहीं है, तब हायर बोले तो आप लोगों ने अगर MSc का अच्छा पढ़ा हुआ है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट डे सीख रहे हो, जैसे कि आपके पास, मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करता हूँ या क्वांटम की बात करता हूँ, तो क्वांटम में अगर किसी ने रिटार्डेड पोटेंशियल नहीं सुना है, पर्टर्बेशन नहीं पढ़ा है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, पार्टिकल इन बॉक्स नहीं आता है, मतलब उसके क्वेश्चन नहीं किए, तो आप लोगों को थोड़े मुश्किल हो सकता है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें बीएड नहीं है, MSc वाले भी है और वो स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी नेट होंगे, वो भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे। तो ये आपको एक क्या करना है, आपके जो क्वांटम हो गया, क्लासिकल, जो हायर एजुकेशन वाले, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो MSc या नेट के सिलेबस में है, तो आप उनको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरा जो दोनों करना चाह रहे हैं वो क्या करें, कि मतलब ये भी कर लें ये भी कर लें, तो जो GIC का सिलेबस है उसे बहुत अच्छे से कर लो। GIC का आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, ऐसा GIC का सब आ रहा है, तो ये तो GIC का, वैसे जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वो तो GIC के लिए भी तैयार हो रही है, पॉली के लिए भी तैयार हो रही है, बस ये हिंदी, हिंदी आपके पास GIC में भी है तो हिंदी भी कर ली आपने। तो अगर देखो यहाँ पर, अगर हिंदी में 80 लेके आ गए, 80 to 90, ठीक है, इंग्लिश बहुत अच्छी कर लोगे, मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो तो कर लोगे, तो अगर कोई हिंदी मीडियम है तो 50 से 60। अगर सब्जेक्ट में देखिए, अगर आप 60% लगाते हो, 60% लगाते हो आपने 70 के, हायर वाला आपने छोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा आपके पास, आपका है 300,
अब 300 का 50% 150 मार्क्स तो आ गए आपके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अगर 70% हुआ तो 60, अगर 70% सिलेबस कवर किया तो 60 नंबर और जोड़ दो, कितने हो गए 210। अब नंबर कितने हो गए आपके टोटल, देखो अगर हिंदी में 85 लगा लूँ मैं, इंग्लिश में मैं 65 लगा लूँ, सॉरी 55 लगा लूँ, तो कितने मार्क्स आ गए, 0, 9 और 14, 14 एक कितना आ जाएगा 15, और एक कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं मैं गलत जोड़ रहा हूँ, 9, 14 और एक 15, 350 नंबर। अब ठीक है, तो 350 नंबर तीन सौ पचास नंबर बहुत होते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 500, सॉरी 500 में से, तो अगर आपने ये भी कर लिया तो 350 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन के चांसेस है, क्योंकि जो नेट की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास डिसएडवांटेज ही है कि वो जीआईसी का सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, जैसे मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे, फ्यूल मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी नहीं पढ़ेंगे, विस्कोसिटी वगैरह नहीं वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं आप नेट में उनको इग्नोर करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि अर्थ मैग्नेटिज्म की खोज किसने की, तो ये नेट में तो नहीं पढ़ोगे आप। या आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो जैसे उसमें आया था क्या, वो एलटी के पेपर में आया था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो किस स्टैटिक्स को फॉलो करती, तो नेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ऑन एवरेज अगर 350 आप स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो आपके चांसेस है। तो इस टाइप से जिनको कंफ्यूजन है वो अपना क्लियर कर सकते, पर जिनको ये है कि मुझे दोनों करने हैं तो आप पहले अपना जीआईसी वाला कंप्लीट कर लो, क्योंकि जीआईसी ने तो आना ही आना है, उसका नोटिफिकेशन आ गया और नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी खासी है, तो आप लोग उसकी तैयारी कर सकते। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कितना है? क्या है आपके पास वर्क डन, क्या होता है आपके पास वर्क डन होता है, W इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन PDB और इनिशियल से फाइनल तक, ठीक है। एन मोल ऑफ आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन PB इक्वल टू एन मोल दे रखा है, तो NRT लिखना ही पड़ेगा आपको, यानी यहां से मैं प्रेशर की वैल्यू रख दूं कितनी, वी इक्वल टू कितना आ जाएगा NRT/V, यहां पुट कर सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है V0, फाइनल वॉल्यूम कितना है 5V0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी NRT/V। ये सारा कांस्टेंट है क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला है, तो आर एन भी एन मोल है, आर गैस कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट को मैं बाहर ले लूं, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन V0 से 5V0 dV/V, तो कितना आ जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट करो NRT लॉग हो जाएगा, तो लॉग क्या हो जाएगा इनिशियल और फाइनल, डायरेक्ट लिख दूं मैं L 5 नॉट बाई V0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग माइनस हो तो नीचे आ जाता है, ये V से V कैंसिल हो गया, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा NRT
ln पाई, ठीक है, ये आपके पास वर्क डन आ गया। फिर हमारे पास था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। फिर हमने पढ़ लिया था फर्स्ट लॉ जो कि कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। फिर हमने देखा कि सेकंड लॉ कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी होता है, और थर्ड जो होता है वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी मतलब अगर टेम्परेचर जीरो को टेंस कर रहा है तो एंट्रोपी भी जीरो को टेंस करेगी। जीरो एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, ठीक है, कि अगर रेंडमनेस है ही नहीं, मेजरमेंट जो डिसऑर्डर है वो है ही नहीं, ये कहता है अगर टेम्परेचर जीरो की तरफ टेंस कर गया तो डिसऑर्डर रहेगा नहीं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ पढ़ लिया था कि कोई दो बॉडी अगर किसी थर्ड बॉडी के साथ इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी कैसे रहेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर सेम हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो कंसेप्ट ऑफ जो टेम्परेचर इंट्रोड्यूस किया हो किसने किया, जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए इसका आंसर बताइए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट बताना है। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला कह रहा वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो, ये तो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है नहीं। सेकंड ऑप्शन है इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, अगर दो कोई सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो हिंदी में भी यदि दो प्रणालियां या दो निकाय तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में है तो दोनों एक दूसरे के साथ में तापीय संतुलन में होगी, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही आपके पास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, बस एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब आपके पास जो है इसका मतलब क्या है, एनर्जी ना तो उत्पन्न हो रही है ना तो खत्म हो रही है, तो किस पर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। दूसरा,
ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट अगर बात करें हम, स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम को डी क्यू हीट देते हैं, किसी सिस्टम को, आपने कोई सिस्टम था, इसको आपने कितनी दी, डी क्यू हीट दी, तो इस सिस्टम में कुछ तो हीट वर्क डन में खर्च हो जाएगी, कुछ इसके इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो एनर्जी हुई वो खत्म नहीं हुई, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। तो अब जितनी एनर्जी आपने उस सिस्टम को दी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी, और जो बची है वो उसके वर्क डन, सॉरी, जो कुछ उसमें वर्क डन में खर्च हुई, जो बची हुई हुई है वो उसके इंटरनल एनर्जी के रूप में क्या हो गई, स्टोर्ड हो गई। यही क्या आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर आप ये इंजीनियरिंग साइंस की बात कर रहे हो, यानी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, कुछ बुक से देख रहे होंगे आपने, तो माइनस होगा मतलब वो साइंस साइन कन्वर्जन है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग साइन कन्वर्जन है, फिजिक्स जो है इंजीनियरिंग साइन कन्वर्जन को फॉलो करती है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब अगर आपके पास, इसी को कैसे लिखेंगे हम, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन को क्या कहेंगे, पी डी यू। ठीक है, ये है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, और ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है, वर्क डन। अब अगर कहीं पर ऐसा दे रखा हो कि मान लीजिए यहां पर तो फिक्स था, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जिसमें जो पार्टिकल है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब तो मान लीजिए आप ऐसे सिस्टम को हीट दे रहे हैं जिसके पार्टिकल डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ, डी क्यू इक्वल टू डी यू कितना हो जाएगा, ये तो ठीक है यहां तक, पी डी बी माइनस म्यू डेल्टा है। ठीक लिख सकते हैं, जहां क्या दे रखा, पार्टिकल का डिफ्यूजन दे रखा है, विसरण दिया हो। ये म्यू क्या है यहां पे, केमिकल पोटेंशियल, आगे पढ़ेंगे भी हम इसको, केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। जो कि विसरण की दर को बताता है, यानी डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन बताता है, इसको बताता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, और जो डेल्टा एन है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल
नोट कर लिया इतना आप लोगों ने। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। चलिए अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस नहीं पढ़े, इसका आंसर बता दो। वो हमने अभी पढ़ा नहीं, अभी एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह पढ़े नहीं, हम कैसे दे सकते हैं। तो सबका आंसर आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। इसका आंसर भी बता दीजिए। क्वेश्चन है कि इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से लॉ ने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट लॉ ने, जीरो लॉ ने किसका किया था, टेम्परेचर का। फर्स्ट लॉ ने किसका किया था, वापस से लिखवा देता हूं मैं, इन्होंने कंसेप्ट किसका किया था, टेम्परेचर का। इसमें किसका था, इंटरनल एनर्जी का। और सेकेंड लॉ में किसका था, एंट्रोपी का। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है, ठीक है। चलिए पहले नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को पहले कर लीजिए। क्वेश्चन है, व्हेन 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू गैसेस सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 40 जूल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कह रहे हैं कि आपके पास, आपने जब किसी एक गैस निकाय को कितनी हीट दी, 110 जूल, और उसकी आंतरिक ऊर्जा इतनी बढ़ गई, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, 40 जूल। कह रहे हैं कि वर्क डन कितना हो जाएगा, तो सिंपली आपने क्या किया, डी क्यू इक्वल टू, आपसे वर्क डन पूछा है, डी क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। आपके पास ये 110 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 110 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 70 जूल, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके पास, ये अभी लास्ट ईयर के लेक्चर में भी आ रखा है ऐसे क्वेश्चन। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन था 2000 मेंस, ये यूके पीएससी लेक्चर का क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको कर लीजिए आप लोग। ये आपके पास लास्ट ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बता दो आप लोग। आ गया सबका, आ गया। अब इसमें थोड़ा सा आपके पास सोचना है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ठीक, मैं हूँ आप लोगों से, किसी का है बी ऑप्शन, सबका ही बी आ रहा है। चलिए ठीक है, कैसे आया बी? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक कठोर पात्र बोला है। कठोर पात्र मतलब चेंज इन वॉल्यूम होगा ही नहीं, बस इतना हिंट था इसमें। जिन्होंने इतना हिंट पकड़ लिया, कठोर पात्र बोला यानी रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर में आपने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू कितना होता है आपके पास, डी यू प्लस पीडीबी। जब वॉल्यूम ही फिक्स्ड हो गया तो जो डीबी होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू के इक्वल आ जाएगा। तो डी क्यू कितना है, 500, यही डी यू आ जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, और तो बी ऑप्शन जिनका था वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो आगे हैं आपके पास रिवर्सिबिलिटी यानी रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल की बात होती है। तो रिवर्सिबल क्या होते हैं, जो वापस उसी ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सके, उसको तो क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते। एक प्रोसेस होता है जो कि क्या होता है, जिसको वापस रिवर्सिबल के बारे में जानते हैं आप, यहाँ लिखा भी है जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं।
की कैन बी रिवर्स रिट्रेसिंग द ओरिजिनल पाथ एंड सिस्टम रिस्टोर टू इनिशियल स्टेट, इसको रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो रिवर्सिबिलिटी के लिए क्या, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आर वेरी वेरी स्मॉल, सच प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, होती है बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ये यही लाइन एलटी में भी आई थी, मैंने आपके पेपर में लिखवाई भी थी, द प्रोसेस टू रिवर्सिबल मस्ट बी नॉट एनी डिसिपेटिव फोर्स और एंड ऑल्सो शुड बी क्वाजी स्टैटिक्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे आया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या है, यानी ये नॉन डिसिपेटिव जो सॉरी डिसिपेटिव फोर्स क्या होता है। डिसिपेटिव फोर्स होते हैं जैसे कि आपके पास एयर रेजिस्टेंस ठीक है, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स जिसको ड्रैग फोर्स भी बोल देता है, ये सारे क्या है, डिसिपेटिव फोर्स होता है। क्या होते हैं, डिसिपेटिव फोर्स। तो किसी भी रिवर्सिबिलिटी के लिए कंडीशन है कि वो एक तो इसमें कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरा स्टैटिक्स होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं आप लोगों को रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा हूं जो ओरिजिनल स्टेज में आ जाए, जो वापस इन सब